देखने के बाद हमको अच्छा महसूस लगा और हमको पूजा पाठ करने के लिए लाता है यहाँ। चाला आयो धर्मेश बाबा, हमको पूजा करने लाता है यहाँ। बिशुनपुर प्रखंड के चटकपुर गांव में अशोक उराव के घर के अंदर दीवार में मंगलवार से 6 अलग अलग जगहों पर सरना झंडा का रंगीन प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। आदिवासी समुदाय के लोगों को जैसे ही पता चला, तब से प्रत्येक दिन में सैकड़ों सरना धर्मलंबियों द्वारा चटकपुर पहुंचकर सभी लोग दर्शन कर पूजा प्रार्थना भी जोर शोर से किए जा रहे हैं। लोगों का मानना है कि सरना समाज के भगवान धर्मेश बाबा साक्षात प्रकट हो चुके हैं और हम लोगों को भक्ति के मार्ग दिखाना चाह रहे हैं। अशोक की मां इमिलता देवी ने बताया कि जब से हमारे घर में धर्मेश बाबा का सरना झंडा के रूप में दर्शन हुआ है, तब से हम लोगों को घर में काफ़ी अच्छा महसूस लग रहा है। लोग दूर दूर से आकर दर्शन कर रहे हैं और मेरे घर में पूजा प्रार्थना प्रत्येक दिन हो रहा है और हम लोगों को काफी अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि लोग पूजा पाठ करके कई दूसरे दूसरे जगहों पर धर्मेश बाबा को खोजने जाते हैं, लेकिन चाला आयो का असीम कृपा होने के कारण हमारे घर में भी दर्शन दे रहे हैं। हम लोग जब विनती भजन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब हम लोग को झंडा के सामने आंगन में करते हैं, तब उस समय हम लोग विनती प्रार्थना करते हैं, उस समय सवारी होता है, तो हम लोग को लगता है कि जहाँ पर परछाई दिखता है वहाँ ले लाता है घर के अंदर। जब आंगन में करते हैं पूजा पाठ, फिर भी अंदर ले लाता है, और जिस दिन जहाँ जहाँ दिखता है वहीं वहीं ले जाता है। कब से दिख रहे हैं वो तो हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन हम 2 दिन से देखे हैं। अच्छा, देखने के बाद आपको कैसा महसूस? देखने के बाद हमको अच्छा महसूस लगा और हमको पूजा पाठ करने के लिए लाता है यहाँ। अच्छा, चाला आयो धर्मेश बाबा, हमको पूजा करने लाता है यहाँ, और अभी भी हमको यहाँ चलो पूजा करने बोल के लाया है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मनोनीत भगत। धन्यवाद। दिख रहा है प्रतिबिंब? मंगरौला 9 बजे थे इरकान, और झंडा ही परछाएगा एक ही, लेकिन दुर्गा गुस्सा नेत्र अलग है, चिरा झंडा ही परछाए एक चिरा झंडा ही थ्री अन्य में इतना अलग है, कल से एरते एरते एरा लगदम तो चूल्हा तरह इतना अलग ही, फिर गोटे ढाबा तरह इतना अलग है, 4-5 जगह इतना अलग है। देखने के बाद आपके घर में क्या कैसे महसूस लग रहा है? महसूस तो अच्छा लग रहा है, बढ़िया लगा लगे आलर आला एरा गे काला पर अलग नहीं, घर में भजन बिनती ना नागे पर अलग नहीं। आपका नाम क्या है? इमिलता देवी। ऐसा कब से दिख रहा है? मंगलवार दिन से दिख रहा है। और आपको दिखने के बाद आपके घर में कैसा फील हो रहा है? दिखने के बाद में अलग फील हो रहा है घर में, और लोग आ जा रहे हैं देखने के लिए, और झंडा चारों तरफ दिखाई दे रहा है, झंडा का छाया। ठीक, आपका नाम क्या है? सपना उरा। ठीक सर, यहाँ के आपको कैसा फील हो रहा है? यहाँ से तो हमको लगता है चमत्कारी फील हो रहा है, आज मुझे पता चला तो देखने में यहाँ लोग आ रहे हैं, और अभी हमको कल पता चला कि यहाँ पर कल लोग श्रद्धालु लोग आए थे, भजन सब हो रहा था, जो सनातन धर्म से संबंधित थे लोग, बहुत से लोग आए हैं और भजन रात में भी भजन चला, अभी भी लोग आ रहे हैं, लोगों को बहुत विश्वास हुआ कि ऐसा चमत्कार पहली बार हो रहा है यहाँ। जी आप कहाँ से आए हैं? मैं तो रहता हूँ जैसरना लोकप्रिय चटकपुर में, बच्चों को पढ़ाता हूँ वहाँ, तो मुझे शाम को कल पता चला तो मैं यहाँ सुबह देखने चला आया, तो मैं भी देखा कि झंडा का वहाँ तो दिख रहा है छाया, लेकिन कलरफुल आ रहा है, ये चमत्कारी है। देखने के बाद आपको क्या महसूस हो रहा है? ये महसूस हो रहा है कि हमको देखने से कि कुछ ना कुछ तो है धर्मेश, कुछ ना कुछ प्रकृति से जुड़ा हुआ कुछ है, कुछ शक्ति है जो दिख रहा है। ये आपका नाम क्या है? मेरा नाम है धनंजय नायक। इंघा नाम है के सुचित राव, इन वर्ष का दिन स्कूल थी जैसा लुटकुरिया चटकपुर थी, एना सन टीचर के रूप में कामनंदन, इंघन पता लग गया चेरो
सांझ के पता लग गया कि सन उनटा ने घटना मंच की और इंद्र घटना मंच के दिन बल्लाल कर लेकिन सांझ पैरी पैरी सांझ के तो पता मान लग चल कि पैरी पता लग गया इन्हें पैरी 7 बजे और बाहर जाकर टीचर की कुछ ऐसा झंडा रुकी तो बात कर इंदिरा झंडा रुकी तो और बाचर के इंगन की सरना झंडा तो सरना झंडा एक रुकी रही और बाचर की रप्पा नु उनका झंडा ताका लेखा नुकुरा लगी तो इन दिन एक्का से नुकरो एड़प्पा भितरे रहो हो ले एक्का से थ्रो ऊखा रहो दी तब पता लग गो लेकिन जब खन्नत बरचकान सन ईरकान एकदम उड़ीरा रहा एकदम दाव से तड़पड़ रहा एकदम ताकरा एकदम और अधिक रंग एक्का से नमें झंडा रही सरना झंडा अन्य मथुरा की डिट्टो सेम टू सेम उनटा भी ना बदला रहा अधिक पंडरू री करियर री पूरा सेम टू सेम उनटा रंग रूप माँ बदला रहा और बहुत अच्छा इन्हें बहुत खुश नसीब रहा धन लगल की जिया थी कि हाँ इन मौका खखरा और इन्हें मौका धर्मेश चिच्चस एन धर्मेश सिंह घोड़ लगदन और चादन धर्मेश थी इंघा किस्मत अच्छा नंजा कभी ऐसे मौका माँ खिचा और जिया थी इन्हें बहुत प्रफुल्लित राधन और अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।